आप सभी को आज के इस वीडियो पे स्वागत है। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी स्थान पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आज की ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आप किसी भी लैंग्वेज को समझो या ना समझो, मगर इस लैंग्वेज के पीछे में जो भाव है, जो वाइब्रेशन है, जो सृष्टि है, उसको आप महसूस कीजिए। बस किसी महान पुरुष ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया था बस एक लाइन में, शिखर से आए हैं, समुंदर तक जाना है और जीवन भर बस बहते रहना है। और इस बहते रहने में कठिनाई आएगा, समस्या आएगा, उसे सहन करना है। अर्थात हम सभी जीवन में किसी भी परिस्थिति में है, हर किसी के जीवन में समस्या है, कठिनाई है, मगर उसे हंस के सहन करना है, उसके सामने डट के खड़े रहना है। अर्थात अगर समस्या आपके तरफ आ रहा है या बढ़ रहा है और आप पीछे हटते चले जा रहे हो, तो समस्या आपके तरफ आते ही जाएगा और निकट आते जाएगा और वो समस्या बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आप अगर समस्या के तरफ एक कदम बढ़ा कर तो देखिए, समस्या खुद ब खुद पीछे हटने लग जाएगा। अर्थात अगर आप समस्या से पीछे हट रहे हो तो समस्या बड़ा हो जाएगा। अगर आप समस्या के तरफ एक कदम रखे तो देखो, समस्या खुद ब खुद पीछे हटता चला जाएगा। अर्थात समस्या छोटा होता चला जाएगा। यही शिक्षण है जीवन का। सूर्य की प्रकाश, समुंदर की गहराई, एक उद्भिद का ऊर्जा, उसकी सारी जीवन प्रक्रिया, ये चलता हुआ एक चक्र है, जैसे श्री कृष्ण का है और महादेव की जटा, इन सभी माता रानी के दसों भुजा, इस सभी हमको सिखाता है क्या जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे महादेव के जटा से गंगा बहता है और हमें जीवन का ऊर्जा मिलता है, वैसे ही ये चक्र है जीवन का, जैसे हमें उनसे मिलना है। अर्थात ये जीव आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है तभी ये चक्र संपूर्ण होता है। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, हम छोटे से बड़े होते हैं, तो हमारा जो चिंतन है, जो अनुभव है, वो बढ़ता रहता है। कि एक नौजवान या एक शिशु जब जन्म लेता है ना, तब अपनी उंगली से केवल अगर एक कलम अर्थात एक पेन मिल जाए उसे, तो वो एक शून्य की आकार करने की कोशिश करता है। अर्थात शून्य से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। जैसे भारतवर्ष में ही पहला शून्य आविष्कार हुआ था। एक शिशु को आप देख लीजिए कि एक पेन लेके वो केवल और केवल शून्य की ही कोशिश करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम लोग उसे जीवन भर ओ आ वन टू इन संख्याओं में हम जकड़ लेते हैं, जैसे वो शून्य से विमुख हो जाता है और जीवन के अंतिम काल में उसे ये समझ आ ही जाता है कि हम शून्य से ही शुरुआत किए थे और शून्य में ही खत्म होना है। तो जीवन ऐसा ही है, एक चक्र है, ये शून्य ही तो है। तो ऐसा ही है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे जो विषय है, सारे जो अध्याय है, सारे सब कुछ हम में ही है, हमसे परे कुछ नहीं। जैसे मैं
यानी यो परम आत्मा कहता है कि जब तक मैं ये शरीर में हूँ तब तक मैं आप में हूँ, और जब आप इस शरीर को छोड़ दोगे आप मुझ में हैं। अर्थात हम इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस और कुछ नहीं। हमें केवल ये कोशिश करना है जीवन भर कि कैसे इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाए जाए। बस उसी की कार्य में हम लोग सारे कार्य करते हैं, और कुछ लोग इससे विमुख हो जाता है। वो या तो किसी भी आकांक्षाओं से, अपनी दुविधाओं से, परिस्थिति से जूझ रहा है, मगर जीवन के अंतिम क्षण उसे ये समझ में ज़रूर आता है कि जीवन भर मैंने क्या किया है, जीवन भर मैंने कैसे इस जीवन को नष्ट किया। इसीलिए मैं सदा अपनी सर को, अर्थात अपनी गलाओं में, मतलब मेरे यहाँ पे जो देवी बैठा हुआ है ना, वही सब कुछ करवाता है। अर्थात हर शब्द के पीछे जो वाइब्रेशन, जो कंपन है, वही में सब कुछ निहित है। अर्थात कंपन के बिना ना तो सृष्टि है और ना ही ध्वंस है। अर्थात महादेव की वो नृत्य ही सृष्टि का आधार है, और उसी में इस संसार की सारी शक्तियां है। अर्थात ध्वंस भी महादेव की नृत्य में ही निहित है। अर्थात आप अगर अपने विषय में जानना चाहते हो तो एक बार अपने जो यहाँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बस और कुछ नहीं, और अपने दिल की बात सुनिए, अपने शब्द को, उसकी ऊर्जा को समझिए, बस और कुछ नहीं। अपने शब्दों को ही हमें नियंत्रित करना है, उसके पीछे का जो कंपन है, जो लॉ है, जो स्थिति है, उसको समझना है, बस और कुछ नहीं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता रहेगा हमें ये सब कुछ पता चलते रहेंगे, मगर देर ना हो जाए। इसीलिए इस चैनल में जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स है, उन सभी को मैं इस समय, ये 15, 16, 17, 18, इस समय आप सभी को ये निवेदन करूँगा, एकांत में बैठिए और ध्यान कीजिए। बस क्या हमें जीवन भर ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो किसी और को हानि पहुँचे, केवल अपने हित के लिए किसी और को दुविधा में मत डालिए, ये आपकी जीव आत्मा को कष्ट पहुँचेगा और परमात्मा से दूरियाँ बढ़ते रहेगा। इसीलिए जितना चाहे आप इंसानों की, जीवों की या इन पौधों की सेवा में लिप्त हो जाइए। देखिए, आप खुद के लिए अगर जीवन भर जीते रहोगे तो केवल खुद के लिए ही जियोगे, और अगर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की अंश हो तो उनके लिए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, तो आप अवश्य एक दिन न एक दिन अमर कहलाओगे, जैसे स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण, श्री राम, इन सभी को हम अपने हृदय में रखते हैं, और उनकी द्वारा जो भी मार्ग हमें मिल रहा है उसी को अनुसरण कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आप सभी से निवेदन है, इस छोटी सी आयु में बस इतना कार्य कीजिए कि जीवन भर आपको उस कार्य के लिए दोबारा सोचना ना पड़े, मतलब किसी को हानि मत पहुंचाइए। मेरा उतना शुद्ध हिंदी तो नहीं है, केवल मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी अंदर से आ रहा है उसी को व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ। तो
मैं कोशिश किया आप सभी को ये अनुभव देने की, अगर आप चाहते हो भविष्य में भी मैं ऐसे अनुभव की आपसे वर्णन करूं, तो आप अवश्य मुझे अपना मतामत जो भी कहता है आपके दृष्टिभंगी या तो कुछ भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी और एक छोटी सी बात है, देखो अगर मैं एक नदी हूँ और एक नदी का किनारा हूँ और एक नाव हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बस एक चीज़ देना है, वो क्या? स्थान देना है। अगर मैं नाव हूँ तो इंसानों को स्थान दूंगा कि आप मेरे ऊपर रह के इस नदी को पार कीजिए। अगर मैं नदी का किनारा हूँ तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस किनारे में जो भी आए उसे स्थान मिले और मेरे इस स्थान को अपने चरण से पवित्र कर दीजिए। और अगर मैं एक नदी हूँ तो इस नदी में जो भी आएगा उसे पवित्र बन जाएगा, इस भाव से जीना है। इस नदी में जो भी आएगा, कुछ भी, उसे स्थान देना है, बस और कुछ नहीं। तो इसी भाव से जियो और बस कहो राधे राधे। श्री कृष्ण जो ये पूरी प्रकृति है, मैं इस पूरी प्रकृति को ही मेरा गुरु मानता हूँ और मैं उसी में खोया रहता हूँ। बस जीवन भर यही करना है और यही करते रहेंगे। आप सभी से और एक बार प्रणाम। इस प्रणाम का अर्थ क्या है? प्रत्येक जीव में जो परम आत्मा की वास है उसके प्रति मेरा नमन, अर्थात प्रणाम। प्रत्येक जीव में जो परमात्मा की वास है उसके प्रति मेरा नमन।